आपको एक सूचना देनी है जाते जाते। आज पूरे हमारे देश में एक इतना खुशी का और आनंद का माहौल चल रहा है क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला विराजमान होने वाले हैं। तो मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, सभी ग्राम समितियों से, इस नासिक नगरी के मोहल्लों से, जहां पर भी भगवान का मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का हो, शिव जी का हो, दुर्गा जी का हो, साईं बाबा का, जो भी मंदिर हो, हमारी कॉलोनी, हमारे गांव में मंदिर में हमको 3 दिन दिवाली मनानी है। 20, 21 और 22 3 दिन तक हमारे घर में भी दीपावली मनानी है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 साल वनवास करके जब लौटे तब अयोध्या में दीपावली मनाई गई, तो अभी 500 साल बाद अयोध्या सज रही है, तो हमको दिवाली मनानी है। भगवान राम लला विराजमान होने वाले हैं, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि 3 दिन तक अपने घर से 5-5 दीपक ले जाके मंदिर में लगाइए और अपने घर में भी लगाइए, और 3 दिन तक अच्छा भोजन बनाना, अच्छा भगवान का कीर्तन करना और भगवान को भोग लगाना राम लला को, और नए वस्त्र धारण करना। दीपावली है ना, आनंद है, जो परमात्मा आनंद स्वरूप है वो राम लला अयोध्या में 22 जनवरी को विराजमान हो जाएंगे, हमारे सबके हृदय में विराजमान हो जाएंगे राम लला। इसके लिए सब गांव में जहां भी मंदिर हो तो 22 तारीख को वहां पर एक स्क्रीन लगा दीजिए, टीवी जहां भी आपने लगाई है ऐसी टीवी लगा देने का, और 11 बजे आप सुबह से वहां पर भजन कीर्तन करें, 11 बजे वहां से लायु चलेगा, जो भगवान राम लला विराजमान होंगे वो सबके दर्शन हमको हमारे घर में हमारे गांव के मंदिर पर होगा, और जब महाआरती होगी उसी समय आरती करके गांव में पूरा भंडारा प्रसाद आप वितरण करना, जो भी लोग वहां पर आए होंगे उनको भोजन प्रसादी खिलाना, क्योंकि राम आए हैं और जीवन में राम आ जाए तो सब कोई आ जाए, तो हमारे राम आ रहे हैं, इसकी खुशी में आप सबको यही मेरा निवेदन है कि आप 3 दिन तक राम उत्सव मनाएं, दीपावली मनाएं, दीप जलाएं।